शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मकबरा तो बनवा ही लाए हो, मार भी डालो गांधी को। बहुत छुट्टी पर गई है रानी साहिबा। एक अदना सिराने को हलाक करने के लिए फौज दरकार है। हमें अपने जान बना के हाथों कत्ल होना है। जी, अच्छा, वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नई रानी को जबान दे चुके हैं। किसे? परेशान मत करो, नई रानी शहर में है और ये मकबरा भी उसी का है। अरे! आ जाओ ले लो, चलो ना। हो रही है, ले लो, आ जाओ, आओ, ले लो, ले लो। रुको, सरेंडर कर दो। क्या कर दो? सरेंडर। तीन सौ दो और 304 के गवाह नहीं है उनके पास, और 396 में चार साल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे तुमको अंदर। कचहरी गई थी तुम? कृष्णा, क्या पूछ रहे हम? कचहरी गए थे तुम? हाँ गए थे। तीन साल में गिनकर तीन दिन नहीं बिताए होंगे साथ। तुम्हारे जाने के बाद दिनों तक बिस्तर नहीं संवरता। चादर पर तुम्हारी सिलवटों में मरे पड़े रहते हैं। अब नहीं होगा हमसे। अब समझे कितना बड़ा असर बैठे हैं। क्या समझे? लगता है कोई और मिल गया है हमारे कृष्णा को। जो आप बोलेंगे वही होगा। अगर 3 महीना में अपना गवर्नमेंट नहीं आया तो हम सिलेंडर कर देंगे। सिलेंडर नहीं, सरेंडर। वही इस्माइल, ऐसे ही परेशान रहते हो तुम। अब जाएं। Thank you.
बैठे जाओ। चल चले जन्नतों में। मैं कुतिया हूं, नसीबन हमारा जाना था। जीजा जी रहम, मजबूरी में गलती हो गई। एक एकड़ नहीं घर जाएगी आपके पैसे में से मुश्ताक भाई, पूरे 20 लाख है बैग में, गिन लो। अरे हमारी क्या मजाल कि हम आपकी ईमानदारी पे शक करें। कोल्ड स्टोरेज में 15,000 की बर्फ गल गई, 15,000। अबे पैसे की जरूरत थी तो पैसा उड़ाते, वहां का फ्यूज उड़ाने की क्या जरूरत। रोशनी में पहचान ले जाते ना। वैसे भी आपके कोल्ड स्टोरेज में आपके पैसे ठंडे हो रहे हैं, बर्फ थोड़ी हो रही है। 2 फुट का हो गया मुश्ताक भाई, 2 फुट और खुद। बहुत गले इंसान है ये खालू भांजा, 2 दिन बाद बस मारने लगेंगे। जी माफ कर दो, माफ कर दो। देखो देखो जैसे मुझे राखी बांधती है। मैं आपका मुंह बोला साला हुआ ना, आधा घर वाला हुआ ना, खुदा के वास्ते माफ कर दीजा जी। अरे जीजा जी जी हां, अरे ये शोरगुल क्या चल रहा है? हां कहां हुआ? अरे कुछ नहीं, ऐसे किसी जीजा साले की तकरार हो रही है सड़क पे। अच्छा घर कब आ रहे हैं? दरगाह से हुए तो आए भी मांग ली। सुभान अल्लाह। आखिरी ख्वाहिश, एक लतीफा सुनाना है। एक मौलवी साहब अपनी तोती से बहुत परेशान थे। उनके पाक साहब घराने का ना माहौल खराब कर रही थी वो तोती। मुझे ऐसी गंदी गंदी गालियां फूटती थी कि मुझे ऐसा कमीना भी शर्मा जाए। मौलवी साहब ने अपना प्रॉब्लम है ना काजी साहब को बताया। काजी साहब ने बोला एक काम कर, तू तेरी तोती ला के मेरे यहाँ ले आ, मेरे पास 2 तोते, सही माहौल में रहेगी तो 2 दिन में जबान ठीक हो जाएगी। काजी साहब के जो तोते थे ना वो दिन भर कलमा पढ़ते थे, अल्लाह अल्लाह बोलते थे। तो मौलवी साहब ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ। मौलवी साहब अपनी तोती ले के आके काजी साहब के यहाँ छोड़ा है। काजी साहब ने तोती को पिंजरे में डाल दिया और वो 2 तोते तोती को देखते ही मुस्कुराने लगे। फिर एक तोते ने दूसरे तोते के कान में जाके बोला कि क्या बोला? को शर्म आ रही है? क्या बोला? कान में बोलो ना। नहीं नहीं बोलो। क्या बोला? कान में बोल दे। कान में। मैं कान में बोलू? जी सॉरी। चल बाबन चल चल। खालूजान मैं कह रहा हूँ उसको जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे नहीं, अपने हाथ से अपनी बहन का घर उजाड़ूं? ये मुझे साला माने ना माने, मैं इसे सच्चे दिल से जीजा मानता हूँ। रस्सी टाइट तो नहीं है जीजा जी? देखो ना चलो तब मैं माफ किया अब कॉल। क्या ना मुश्ताक भाई कि हमने गलती करने में थोड़ी जल्दी कर दी और आपने माफी मांगने में थोड़ी देर, तो सॉरी। अगली बार तुम्हारी कपड़े भी तुमसे वही कटवाऊंगा। मौलवी भी लेगा ना फातिया भर देगा। कमीना। विद्याधर वर्मा का मकान कौन सा है? चिकन पिया था? नहीं। बीड़ी है चलेगी? नहीं, हमको माचिस चाहिए। मगर क्यों? अबे प्यास लगी है यूं सर पेट लकड़ी के नल से जलाऊं।
सब में डाकू हो क्या? नहीं फिर चोर हो? नहीं नहीं फिर क्या? सल्फेट जी के लिए बहुत पसंद है उन्हें ये रम, हमारे इलाके की खास डबल घोड़ा कहते हैं पहले पेग में शादी का घोड़ा, तीसरे में डाकू और पांचवे में रेस का घोड़ा तीन महीने में 30 बरस का याराना हो गया था पसंद से वो एक एमएलए का मर्डर केस था ना, तब हमारे यहाँ पनाह ली थी नहीं बबन तो आजकल नंगे हैं कि बुरखे में? मैं कह रहा था कि वो अंदर है कि फरार है? मैं चाय चढ़ाती हूँ। एम तो रम का हो रहा है मजाक कर रही है। वो सरखाना पीछे है, तौलिए यहाँ रखे, बर्फ और नमकीन लगा देती हूँ, खाने की थालियाँ ढक के रखी रहेंगे। नहीं नहीं, खाना तो हम वर्मा जी के साथ ही खाएंगे। कब तक आएंगे वो तकरीबन? कभी नहीं। माकड़े हो कह रही है यहाँ पे Oh,